फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए तो अन्य मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हालांकि ये टॉपिक साइंस रिलेटेड है, परंतु एक सामान्य ज्ञान के तौर पे हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि हमारे भारत में करीबन 330 टाइप की स्नेक स्पीसीज पाई जाती है, 330। उसमें से अधिकांश जो है स्पीसीज वह नॉन पॉइजनस है, विषैली नहीं है, और ज्ञान के अभाव में ही अधिकांश लोग स्नेक को देखते ही उसको मार देते हैं। जबकि इकोसिस्टम के अंदर जो सर्प होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जाने अनजाने में इन स्नेक्स को ख़त्म कर देते हैं, जबकि अधिकांश नॉन पॉइजनस होते हैं। एक डेटा है, 330 स्पीसीज जो है स्नेक की, उसमें से केवल 40 टेरिस्ट्रियल और 29 मैराइन जो जातियां हैं भारत में वो पॉइजनस है, जो इस अर्थात 40 और 69। इसके अलावा जितनी भी जातियां हैं वह नॉन पॉइजनस हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि किस प्रकार से पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचाना जा सकता है। मैंने ये स्लाइड का इस्तेमाल slideshare.net का लिया था, मैं उनके लिए आभारी रहूँगा। आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक की आइडेंटिफाई करना और उनको एक्चुअल डायग्राम में वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। कुछ जनरल स्नेक हैं, उनके डायग्राम भी बताऊँगा मैं। सबसे पहले स्नेक है कौन से फाइलम के, इनका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जंतु जगत में ये कॉर्डेटा संघ के एनिमल हैं, और उसमें भी वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, रेप्टिलिया के अंदर स्क्विमेटा के अंदर ये आते हैं, और ऑफिडिया के समूह के एनिमल हैं ये। यदि हम पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस की जनरल आउटले देखें तो यहाँ पे सामने हैं कोबरा, क्रेप, पिट वाइपर, रेटल स्नैक, रसेल वाइपर, कोरल स्नैक, सी स्नैक, ये पॉइजनस है। जबकि नॉन पॉइजनस पाइथन, रेड स्नैक, अर्थ स्नैक, सैंड बोआ, ब्लाइंड स्नैक एक्सेट्रा। अब सबसे बड़ी बात है कि पॉइजनस स्नैक काटते क्यों हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो अकेले रहना चाहते हैं, इंसान से वो डरते हैं। जब भी वो हमें देखते हैं अनसेफ फील करते हैं, और अनसेफ फील करने के दौरान ही वो हमें काटते हैं। और नॉन पॉइजनस स्नेक जो होते हैं उनकी बाइट जो होती है वह पॉइजनस नहीं है, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम उनसे दूर रहें और प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखें जितने में उनको भय नहीं लगे। अब हम स्नेक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। स्नेक की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें टेल को देखना है। देखिए, स्नेक आइडेंटिफिकेशन की है, की का मतलब यहाँ पे हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बनना है, यानी हमें किस तरह से स्नेक पॉइजनस है या नहीं है इसको पहचानने के लिए क्रमबद्ध तरीके से वन बाय वन पॉइंट से देखना। सबसे पहले हमें टेल देखनी है, यदि वह पॉइंटेड है तो सिलेंड्रिकल स्नेक है तो वह लैंड स्नेक होगा, जबकि यदि पतवार की तरह है तो वह स्नेक मैराइन स्नेक होंगे, और वह डेफिनेटली पॉइजनस स्नेक होते हैं क्योंकि ये समुद्र में रहते हैं, ये इनकी खासियत है कंप्रेस्ड टेल। जबकि पॉइंटेड टेल है वह पॉइजनस हो भी सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें की के सेकंड स्टेप यानी टेल से आगे बात करनी होगी। अब हमें टेल रीजन को देखने के बाद में आइडेंटिफिकेशन में नेक्स्ट स्टेप जो है हमें यूज़ करना है उनकी वेंट्रल। हर एक स्नेक की डोर्सल और वेंट्रल पृष्ठ और अधर दिशा होती है। अधर दिशा जमीन के कांटेक्ट में रहती हैं, यानी रेंगते समय वह जमीन के संपर्क में आती हैं, तो वहाँ पर जो शल्क होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रल्स। हमें वेंट्रल्स को आइडेंटिफाई करना है। यदि वेंट्रल्स जो हैं छोटी है, बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं और टिनी है, जैसी डोर्सल फेज में है वैसी वेंट्रल में है, तो वह स्नेक्स नॉन पॉइजनस होंगे। परंतु यदि कुछ
नैरो बेली स्केल से, यानी बिल्कुल छोटी से कुछ बड़ी है, परंतु वो वेंट्रल्स जो है इतनी बड़ी नहीं है कि उसके दोनों साइड को टच करे, यानी वेंट्रल सरफेस को पूरा कवर न करके उसके बीच में ही रह जाती है। तो इस तरह के स्नैक भी नॉन पॉइजनस होते हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के स्नैक ये होते हैं, वो एक चार्ट फॉर्म में बताऊंगा। यहाँ पे अभी केवल हम पॉइजनस या नॉन पॉइजनस की बात कर रहे हैं। यदि ये वेंट्रल्स बहुत बड़े हैं, यानी जब वो रेंगता है तो वेंट्रल्स जो है नीचे से दोनों ओर, यानी पूरी की पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर करते हुए साइड में हल्के से टच होते हैं, यानी बहुत बड़ी साइज के वेंट्रल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे वेंट्रल्स बहुत बड़े हैं, तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सबसे पहले हमने देखी थी उसकी टेल, टेल के बाद में सेकंड पॉइंट लेना है उसकी वेंट्रल की साइज। वेंट्रल बड़े हैं, पॉइंटेड टेल है, देन वो हो सकता है कि पॉइजनस हो सकते हैं। अब हमें इसके बाद में हेड देखना है। यदि स्नैक के स्मॉल स्केल के साथ में हेड रीजन में छोटे स्केल्स हैं, परंतु उनका हेड क्लब शेप बहुत बड़ा है, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणाकार है, और उसकी नेक रीजन से अचानक से बड़ा होता हुआ दिखता है, तो वह एक पिटलेस वाइपर है, क्योंकि इसमें पिट नहीं होता। आगे मैं बताऊंगा पिट क्या होते हैं। और दूसरा वाला जो है पिट वाइपर, ये पॉइजनस स्नैक है, जिसमें पिटलेस वाइपर जिसमें ट्रायंगुलर हेड है, बड़ा हेड है, तो वह है पॉइजनस स्नैक स्मॉल स्केल्स बॉडी पे। जबकि पिट वाइपर में यहाँ पर आइज के पास में आप देख सकते हैं ये एक पिट बना हुआ है। ये पिट वाइपर लॉरियल पिट है। एक्चुअली इनका पिट्स का काम होता है कि अंधेरे के अंदर भी ये बॉडी हीट इंफ्रारेड को डिटेक्ट करते अपने शिकार को उसकी हीट से आइडेंटिफाई करने में ये पिट इम्पोर्टेंट मदद करते हैं। नेक्स्ट टाइप के स्नैक जो है शील्ड ऑन पॉइजनस स्नैक और नॉन, यदि ये दोनों नहीं है तो फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो हम पॉइजनस भी हो सकता है नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। सिर पे शील्ड है, यानी शल्क है, छोटे नहीं बड़ी शल्क है, तब हमें आगे की स्टेज देखनी है। यदि हमें ऊपरी ऑब्जर्व जा इसके जबड़े की शल्कों को देखना है, यदि थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड, थर्ड सुप्रा यानी ऊपरी जबड़े की जो फर्स्ट सेकंड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वह स्केल बहुत बड़ी है और आँख और नाक दोनों को टच करती है, तो वह एक पॉइजनस स्नैक होता है और वह कोबरा है। मैं आगे बता दूंगा एक चार्ट में ही। यदि वह स्नैक जो है एक हुड बना सकता है, नेक पे हुड रीजन बनता है इसमें देखिए, और उसके ऊपर ये स्पेक्टेकल के मार्क है, तो वह भी एक पॉइजनस स्नैक की खासियत होती है। यदि नेक विदाउट हुड है परंतु पूरी बॉडी पे कोरल स्पॉट्स पाए जाते हैं, तो वह एक कोरल स्नैक है, और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो वह नॉन पॉइजनस है। तो आप देख सकते हैं कि टेल देख ली, उसके बाद में हमने वेंट्रल देख ली, और इस स्टेज में हमने ऊपरी हेड रीजन के अंदर स्किन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई पिट है कि नहीं है, पिट है तो पिट वाइपर, पिट नहीं है परंतु ट्रायंगुलर हेड है तो वो पॉइजनस स्नैक है, वह भी पिटलेस वाइपर में आ गया। परंतु यदि पिट भी लेस है और हेड भी बड़ा नहीं है, तो फिर हमें हेड के ऊपर छोटी स्केल भी नहीं उसकी जगह बड़े स्केल हैं, तो हमें फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में हेड रीजन की जो स्किल्स है उनकी स्टडी करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन स्नैक्स में हेड पिट भी नहीं है और पिटलेस भी नहीं है, बड़ा हेड भी नहीं है, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉर्सल मिड डॉर्सल रीजन में
हेक्सागोनल, जो बहुत ही बड़े मिड डॉर्सल में एक लाइन होती है स्केल्स की, जो हेक्सागोनल प्लेट्स स्केल्स होते हैं, वह करेत की खासियत है। इसके अलावा करेत की खासियत ये है कि उसका जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर जो इंफ्रालेबियल यानी निचले जबड़े की जो सल्क है वह सबसे बड़ी होती है। ये इम्पोर्टेंट लक्षण है करेत का, बहुत ही टॉक्सिक और रेगिस्तानी मरुस्थल एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला है, डेथ को पहुंचाता है। इसके आगे हम बताते हैं, कि कोबरा स्नैक में जो फोर्थ सुप्रालिवियल यानी जबड़े के ऊपर की तरफ, यानी ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें पहले नहीं, दूसरी नहीं, थर्ड और फोर्थ जो शल्क जो होती है वह बहुत बड़ी होती है और आँख और नाक दोनों के बीच को छूने वाली होती है। दोनों जो ऑर्गेन है, आँख और नाक, उन दोनों नॉस्ट्रिल जो है उनको छूती हुई होती है और सबसे बड़ी होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। अभी तक जो भी बात बताई गई है उसको समरी वाइज इस चार्ट में देख सकते हैं। पहले वाले में कलर डायग्राम के साथ समझा था ताकि वास्तव में हमारा कभी स्नैक से सामना हो तो हम उसको कैसे देखेंगे, कैसे पता लगेगा, उसके लिए था। समरी में ये देख लीजिए, यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले फ्लैट टेल रहती है तो वह सी स्नैक होता है जो कि पॉइजनस है। उनकी फ्लैट चपटी और साइड से पतली चपटी जो है वह तैरने में उनको मदद देती है। जबकि पॉइंटेड टेल है तो यहाँ पर हमें वो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेज में हमें क्या देखनी है, इनकी वेंट्रल्स, टेल के बाद में सेकंड स्टेज वेंट्रल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमशः देखना ज़रूरी है। यदि स्केल बेली की जो वेंट्रल्स है बहुत छोटी और एक बहुत ज़्यादा साइज में छोटी है तो वह नॉन पॉइजनस है। यदि वह स्केल्स कुछ बड़ी है परंतु दोनों साइड को छूती भी नहीं है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह एक नॉन पॉइजनस स्नैक है, जो कि पाइथन के केस में होता है। और यहाँ पर हम देखें कि ये जो स्नैक्स है जहाँ पर वेंट्रल्स जो है बहुत बड़ी है, दोनों साइड्स को छू रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइजनस स्नैक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेज यानी पहली टेल, फिर वेंट्रल्स, अब हमें उनके हेड को स्टडी करनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके हेड की खासियत, यदि यह हेड ट्राइगोनल त्रिकोणाकार बहुत बड़ा है तो वह वाइपर है जो कि पिटलेस वाइपर है। यदि उसके आई के पास में नीचे की तरफ एक बड़ा गर्त या पिट होता है जो कि मैंने पहले बताया था इंफ्रारेड डिटेक्शन, हीट डिटेक्शन में काम आता है, वह पिट वाइपर होता है। और यदि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है यानी छोटी स्केल्स की बजाय बड़े स्केल्स हैं, बहुत बड़े बड़े, तो फिर इनके हेड में बड़े स्केल होने की स्थिति में हमें देखना होगा कि वो पॉइजनस है क्या नहीं है। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेज जाना होगा जो कि स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड पे बड़े स्केल होने पर यदि थर्ड सुप्रालेबियल जो है, पहली नहीं दूसरी नहीं थर्ड, वह यदि आँख और नोस्ट्रिल को छूते हुए हैं तो फिर यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, ये जो है वह आँख और नोस्ट्रिल दोनों को छूते हुए हैं। मैंने पहले फोर्थ बोल दिया था, यहाँ पे थर्ड ही होती है नाजा कोबरा के संदर्भ में। यदि ये वेंट्रल्स जो डॉर्सल रीजन में होती है वह हेक्सागोनल होती है तो हम कह सकते हैं कि वह करेत स्नैक की खासियत है। कोबरा के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि उसकी बड़े स्केल्स में जो हेड रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके जो फर्स्ट जो थर्ड सुप्रालेबियल है वह शील्ड जो है बहुत बड़ी है, नोस्ट्रिल और आई दोनों को छूती हुई सबसे बड़ी होती है। तो ये कोबरा की है। कोबरा में इसके अलावा स्पेक्टेकल मार्क्स भी होते हैं हुड पर, वो और आगे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं करेत के अंदर यहाँ पे मिड डॉर्सल हेक्सागोनल शील्ड है और जो कि फोर्थ जो इंफ्रालेबियल है वह शल्क बहुत ही बड़ा होता है
और इस प्रकार से पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक की ये समरी थी। जाति विशिष्ट देखें तो कोरल स्नेक पहले ही बताते हैं, लेटरली फ्लैट जो टेल होती है वह स्नेक्स हैं हाइड्रोफिस एंड एनहाइड्रिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सी स्नेक से जुड़े हुए हैं पॉइजनस स्नेक। अब यदि वेंट्रल्स बड़े हैं परंतु इतने भी बड़े नहीं, मैंने बता दिया था वो पाइथन मोलूरस, पाइथन के संदर्भ में वेंट्रल्स ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो ये एग्जांपल पाइथन का जिसमें वेंट्रल्स बहुत बड़े भी नहीं है परंतु बिल्कुल छोटे भी नहीं है परंतु साइड में छूते हुए नहीं। डायग्राम में पहले बता दिया था, आप देख सकते हैं उस डायग्राम में पहले वाले में, यदि हेड ट्रायंगुलर है परंतु उस पर लॉरियल पिटनी है तो पिटलेस वाइपर, परंतु ये पिटलेस वाइपर भी दो प्रकार के हैं। यदि उनके सब कॉडल, सब कॉडल्स किसको कहते हैं कि उनके टेल रीजन की जो वेंट्रल्स हैं उनको कहते हैं सब कॉडल्स, जो कि उनके एनल रीजन से पीछे की तरफ है, यानी टेल रीजन में एनस से पीछे की भाग में जो वेंट्रल्स है वह सब कॉडल्स कहलाते हैं। वह दोहरी हैं तो वह स्नेक होता है वाइपर रसलाई, और यदि वह एकल है सब कॉडल्स तो वह होता है एकिस कैरिनेटा। यदि उनके लोरियल पिट है तो वह पिट वाइपर होता है लैकेसिस एंड एनसिस्टिडोन, और यदि वो कुछ भी नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि इस तरह के छोटे शल्क नहीं है, लोरियल पिट भी नहीं है या पिट वाइपर नहीं है तो, और शल्क बड़े हैं तो यहाँ पर करेत और इनके करेक्टर में पहले ही बता चुका हूँ कि हुड पाई जाती है कोबरा में, थर्ड सुप्रा लेबियल ये बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा इसको। स्नेक आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, जो हम इस टॉपिक का उद्देश्य ये भी है कि आप स्नेक को देखते ही पहचान जाए, तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइजनस स्नेक है उनके बारे में बता देता हूँ। करैत, क्रोबरा एंड वाइपर, ये करैत है जिसके ऊपर रिंग्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें वेरिएशन हो सकता है कलर वगैरह में, परंतु इसकी जो डॉर्सल रीजन में हेक्सागोनल जो पट्टी होती है शील्ड जो शल्क जो है उसकी जो सिक्वेंस है मिड डॉर्सल वह हेक्सागोनल शल्कें होती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इसकी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, इसके अलावा इसके हेड रीजन में भी जो फोर्थ इंफ्रा लेबियल जो है वो बहुत बड़ी है, ये देखी जा सकती है यहाँ पर। कोबरा के अंदर देख सकते हैं, आपको बता दिया था कि सुप्रा लेबियल जो थी उसकी थर्ड वह आँख और नाक दोनों को छू रही है, और यहाँ पर उसके ओसिलस ये भी दिखाया हुआ स्पेक्टिकल मार्क, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप का हो सकता है परंतु स्पेक्टिकल मार्क्स एंड ये हुड जो फन जिसको बोलते हैं वह फूल जाता है वह इम्पोर्टेंट है, ये कोबरा की खासियत है। ये जो वाइपर है, वाइपर के बैठने की जो स्टाइल है वह वेरी डिफरेंट है दूसरे सामान्य सांपों स्नेक से, उसको पृथक करती हैं। ये पहले अभी चार्ट में मैंने समरीज के बारे में बता दिया था, पिटलेस वाइपर, पिट वाइपर कैसे होते हैं, ये यहाँ पे इसका पिट है ये दिखाया हुआ है आपको, ये पिट है उसका। इनका हीमोलाइटिक होता है, वाइपर जितने भी होते हैं उनका हीमोलाइटिक पॉइजन होता है। अब है नॉन पॉइजनस स्नेक, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर सांपों में जहरीले होने के चक्कर में हम नॉन पॉइजनस स्नेक को मार देते हैं, तो दो इम्पोर्टेंट है धामण या रेड स्नेक और दूसरा है पाइथन। ये रेड स्नेक दिखता तो पॉइजनस जैसा है परंतु इसकी खासियत ये है कि इसकी जो यहाँ की जो डॉर्सल रिंज है ये बहुत ही नैरो होती है, या कहते हैं कि बहुत ही उभरी हुई तीखी होती है, तो ये इसकी खासियत है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो शार्प रिंज अलोंग बैकबोन होती है। दूसरा है पाइथन, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, यह अपने बहुत बड़े आकार के जीवों को खा सकता है, पाइथन को देखते ही पहचान जाते हैं हम लोग। धन्यवाद, आपको ये टॉपिक
अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसमें ये स्लाइड आपके बच्चों आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी स्लाइड मैं आपको बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको संक्षिप्त में एग्ज़ाम लिखने लायक समरी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी स्लाइड के लिए भी स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसका भी आप फाइनली स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इससे आप आंसर दे सकते अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।